एवरीवन, इट्स शालिनी. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई रियली होप यू गाइस आर डूइंग वेल. आज का वीडियो इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज इट्स रिगार्डिंग स्किन केयर. एंड यू गाइस नो दैट योर गर्ल शालिनी लव्स स्किन केयर. शी इज पैशनेट अबाउट स्किन केयर. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड, दैट इज अफेक्टिंग योर स्किन एंड योर स्किन केयर रूटीन. ये ऐसे मिस्टेक्स है जो मैंने किए हुए हैं पास्ट में दैट हैज लाइक रियली अफेक्टेड माई स्किन. सो मैं अपने पास्ट स्किन केयर मिस्टेक्स से और एक्सपीरियंस से ये वाला वीडियो बना रही हूँ. तो मैं आपको मिस्टेक्स के साथ साथ सॉल्यूशंस भी बताऊंगी कैसे हम उसे अवॉइड कर सकते हैं. टुडेज वीडियो इज पार्ट टू. आई हैव डन अ सिमिलर वीडियो इन द पास्ट अबाउट 1.5 ईयर्स बैक, बट अब का समय काफी चेंज हो चुका है. फील लाइक आई हैव लर्नड मोर अबाउट स्किन, माई ओन स्किन एंड स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स एंड रूटीन्स इन जनरल. आई मीन एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. यू गाइज विल लिव विल लर्न. ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. Now, a skincare mistake is not reapplying your sunscreen. This is a very common mistake and a huge mistake that we are doing in our skincare routine. I am guilty of doing this. पिछले 1.5 साल से मैं consciously effort डाल रही हूँ कि मैं अपना sunscreen reapply करूँ. जब मैंने इस वीडियो का part 1 बनाया था उससे मैंने importance of sunscreen के बारे में बात किया था कि क्यों जरूरी है और कितना quantity आपको apply करना है. अभी मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ कि sunscreen reapply करना क्यों जरूरी है. So recent study shows that 80% of skin aging occurs due to damages caused by UVA and UVB rays. That is why it is very important that आप अपना sunscreen apply करो और reapply भी करो. अब sunscreen जब आप choose कर रहे हो तो SPF 30 और उससे ज़्यादा का choose करो. काफ़ी लोगों को ये myth लगता है, मुझे भी ये myth लगता था कि जितना higher SPF होगा उतना longer period के लिए मैं sunscreen apply कर सकती हूँ. For example, अगर SPF 60 है तो 6 घंटे तक apply कर सकती हूँ. This is a complete myth. So basically SPF, so पूरा facial routine खत्म करने के बाद I just wash my facial razor, dip it, and मैं ढक्कन जो आता है gap उसको उसी में लगा के ऐसे रख देती हूँ. तो protect देगा. फॉर एग्जाम्पल SPF 50 कैन प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम 98% ऑफ UVB रेडिएशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन. ऑलराइट, सो अगर आप SPF 50 पहन के, जैसे कि मैंने अभी SPF 50 पहना हुआ है, सन में निकलूंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे 5 घंटे तक पहन सकती हूँ. जितने ज्यादा लंबे समय के लिए मैं धूप में रहूंगी उतना ज्यादा मेरा SPF यूज होता जाएगा मेरे सनस्क्रीन से. बिकॉज माई सनस्क्रीन इज वर्किंग टू गिव मी प्रोटेक्शन फ्रॉम UVB रेज, इट इज न्यूट्रलाइजिंग दैट रेज. सो जितने ज्यादा समय के लिए रहूंगी उतना ज्यादा जल्दी जल्दी वो यूज्ड अप होता जाएगा SPF, और एक पॉइंट के बाद वो सारा का सारा सनस्क्रीन खर्च हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड देयर वोंट बी एनी प्रोटेक्शन ऑन योर स्किन. सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन टू ब्रिंग बैक दैट प्रोटेक्शन. अच्छी बात है अगर आप SPF 50 चूज कर रहे हो, SPF 60 चूज कर रहे हो या 30 भी चूज कर रहे हो, बट यू हैव टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन. ऑलराइट, सो एवरी 2 to 3 आवर्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रीअप्लाइंग योर सनस्क्रीन. फर्क नहीं पड़ता आप घर पे हो बाहर हो. मुझे पता है काफी सारे क्वेश्चन आने वाले कि शालिनी हम बाहर का काम कर रहे, वी डोंट हैव टाइम टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन. यू कैन टेक 5 मिनट्स ऑफ योर लाइफ जस्ट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन वंस अगेन. जो आपने सुबह रूटीन किया था उसमें बस एक स्टेप और ऐड करना आपको, रीअप्लाई करना अपना सनस्क्रीन. सो जब मैं मेकअप बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, इट्स प्रीटी इजियर फॉर मी टू रीअप्लाई माई सनस्क्रीन. सो यू डोंट नीड टू वॉश योर फेस ऑल ओवर अगेन एंड डू योर एंटायर स्किन केयर टू रीअप्लाई योर सनस्क्रीन. यू कैन रीअप्लाई द सेकंड कोट ऑफ सन प्रोटेक्शन ऑन योर फेस आफ्टर जस्ट लाइक मेकिंग श्योर योर हैंड्स आर सैनिटाइज. बट अगर मैं कहीं बाहर हूँ और मैंने थोड़ा सा ऐसे एवरीडे मेकअप किया तो उसके ऊपर भी सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत इजी होता है. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर इन अ क्लोज्ड एरिया, यू हैव सैनिटाइज योर हैंड्स एंड देन टेक योर सनस्क्रीन थोड़ा सा अपने हाथों में लेके जस्ट डैब इट ऑल ओवर योर स्किन एंड स्टार्ट पैटिंग इट इनटू योर स्किन एंड इट इज गोना क्रिएट अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अगेन ऑन योर स्किन. यस, जब आप घर पे हो तभी आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करना है क्योंकि दिन के समय में विंडो के थ्रू UVA रेज यू नो पेनिट्रेट होके आ ही जाता है एंड दैट कैन डैमेज योर स्किन. साथ साथ जो ब्लू लाइट होता है जो कि आता है थ्रू मोबाइल फोन, आपके कंप्यूटर से, टैबलेट से, दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग आवर स्किन. सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन एट ऑल कॉस्ट. एंड यू नो व्हाट गाइस, जब से मैंने रीअप्लाई करना शुरू किया सनस्क्रीन को, मैंने एक चीज नोटिस की है कि मेरा सनस्क्रीन आजकल जल्दी खत्म होने लगा है एंड विच इज अ गुड थिंग. वरना पहले तो ऐसे 3-3 महीने तक एक ही सनस्क्रीन चल रहा होता था, मैं तो खुश होती थी. सो आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन. स्टार्ट कैरिंग योर सनस्क्रीन इन योर गो टू बैग्स एंड इंपॉर्टेंट बैग्स, जिम, ऑफिस, कॉलेज, सारे बैग्स में एक सनस्क्रीन तो होना ही चाहिए. स्किन केयर मिस्टेक नंबर 2 इज समथिंग दैट आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग, दैट इज नेग्लेक्टिंग द नेक एरिया व्हेन आई एम डूइंग माय स्किन केयर रूटीन. यू नो आई हैड टू कॉन्शियसली मेक एफर्ट कि नहीं, मैं अपने नेक को भी कवर करूँ, जो भी प्रोडक्ट मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ वो नेक पे भी अप्लाई करूँ. व्हेन इट कम्स टू साइंस ऑफ एजिंग, अनेराई एरिया, नेक एंड हैंड्स आर द फर्स्ट एरियाज टू शो साइंस ऑफ एजिंग. रिंकल, फाइन लाइन्स, ड्रूपिंग एंड सैगिंग ऑफ स्किन यहाँ दिखने लगती है. सो टू डिले द साइंस ऑफ एजिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपना स्किन केयर रूटीन पूरे फेस के साथ साथ
साथ नेक पे भी अच्छे से किया है। तो जब आप टोनर, ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो अपने फेस पे, अपने नेक एरिया को भी अच्छे से कवर करना। जी हाँ, आपके प्रोडक्ट्स जल्दी जल्दी खत्म होना शुरू हो जाएंगे, आप ये चीज नोटिस करोगे, बट यू आर डूइंग दिस फॉर योर ओन स्किन, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन। Mistake number 3 is a very common mistake, that is waiting until you're older to start incorporating anti-aging ingredients and products in your skincare routine. And this is a myth as well, and I'm guilty of believing in this myth. But aap khud hi socho na, jab apne younger days mein, youthful days mein anti-aging products aur serums use karna shuru karoge, tabhi jaake aapko uska result dikhega. Aap aging se bhag nahi sakte, but you can definitely delay such process by keeping your skin looking younger and youthful by providing right kind of ingredient to your skin. One such anti-aging product and ingredient that I freaking love to use on my skin is retinol. There is a common myth around retinol that you have to use retinol when you're in your 40s, but you can start incorporating retinol in your 20s, you know. And I do have a brand recommendation for retinol. This is by Wishcare. This is their Pro Collagen 2% retinol serum with barkochiol, rosehip oil and niacinamide. I like to incorporate retinol in the nighttime every third day in my skincare routine. I will just take few drops of this retinol serum, warm it up in my fingertips and then pat it all over my skin after applying toner. This is the step that I like to do. Retinol is an excellent ingredient. It boosts the production of collagen into your skin, and as we age, production of collagen decreases and depletes from our skins, and collagen is a very important component. Ye aapki skin ki elasticity ko maintain karne mein help karta hai, aapki skin ko hydrate rakhta hai, strengthen karta hai aapki skin ko. Maine kafi different brand ki retinol try ki apne skin mein, and I must say the quality of this Wishcare's retinol is really good. It has a very creamy texture jo aapki skin mein kafi easily blend ho jata hai aur aapki skin ko dry up nahi karta hai. Because of the ingredients like barkochiol, rosehip oil and shea butter that helps to keep your skin hydrated and moisturized. Aur retinol use karne ke aur bhi different benefit hote hain, jaise ki maine aapko bataya, it boosts the collagen production, also anti-aging benefits, it fights wrinkle, fine lines. So in your 20s you can start incorporating retinol in your skincare routine. Aap raat ko use kar sakte ho, every third day you can start using retinol thoda thoda karke, and jab aapki skin used to ho jayegi, aap regular basis pe raat mein use kar sakte ho retinol. Do not forget to use moisturizer after using retinol, even though yellow retinol moisturize rakhta hai aapki skin ko, but moisturizer is very very important to lock the benefit of the treatment product that you applied on your skin. And next day you have to follow up with sunscreen, because retinol is a photosensitive ingredient, so do not ever forget your sunscreen. So if you're interested in this Wishcare product, I will provide link for it in the description box below. Mistake number 4 is using comedogenic ingredients and products on your skin. This is going to be very debatable. Some people are going to trigger through this, but anyway, I still want to talk about it. So recently I tested and tried Bollywood celebrities beauty routine wala video. Us samay maine jab Priyanka Chopra ka hack try kiya tha, in that hack she was talking about using coconut oil to remove her makeup. Maine usme store bought coconut oil use kiya tha, and she was talking about organic coconut oil, and I got so many comments that you had to use organic coconut oil, Shalini, that is still better than, you know, store-bought coconut oil. But guys, coconut oil, organic ho ya store-bought ho, it is a comedogenic ingredient. This is gonna clog your pores, which in turn can cause breakout and acne all over your skin. Jiska effect aapko aaj nahi, kam se kam 2 ya 3 din baad dikhega, jab aapki skin triggered ho jayegi us comedogenic product ke wajah se. Khud hi sochna, jab aap apne skin mein use massage kar rahe ho, kuch time ke liye to massage kar rahe ho na, aur aapki skin use absorb कर लेती है, यू नो, डीप लेयर पे ले जाती है उसको. सिर्फ कोकोनट ऑयल ही नहीं, हियर इज द लिस्ट ऑफ कॉम्युनोजेनिक ऑयल्स दैट यू मस्ट बी नोइंगली और अनोइंगली यूजिंग इन योर स्किन केयर रूटीन. मेरे खुद के डर्मेट ने बोला है कि कोकोनट ऑयल यूज मत किया करो. काफी डर्मेटोलॉजिस्ट की वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर ऑल्सो सेइंग डू नॉट यूज कोकोनट ऑयल ऑन योर फेस, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपने यूज भी किया है, यू हैव क्लिंस योर फेस थरली, यू नो, और कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब हो ही जाता है फिर भी आपकी स्किन में. Not changing my facial razor after using this for multiple times and not cleansing my facial razor. I am guilty of doing this mistake. ये mistake की वजह से मेरा skin कितनी बार trigger हुआ है और affect हुआ है. I mean मुझे इतने गंदे वाले breakout हुए हैं इन दोनों reason की वजह से. So you guys know this already that I suffer through this condition called PCOD, जिसकी वजह से मुझे facial hair आते हैं और hormonal acne भी आते हैं. So facial hair को remove करने के लिए मैं razor use करना पसंद करती हूँ, and I have a entire routine जो मैंने काफी बार अपने चैनल पे मेंशन किया हुआ है, एंड एवरी थर्ड डे आई लाइक टू यूज फेशियल रेजर टू शेव माय फेस. सो कभी कभी क्या होता है, जाने अनजाने में फेशियल रेजर को सैनिटाइज किए बिना ढक्कन लगा लेती हूँ. जैसे कि यहाँ पे मैंने रेजर को यूज करने के बाद सैनिटाइजर क्लेंस नहीं किया, इट मस्ट हैव एक्युमुलेटेड डर्ट, गंक एंड बैक्टीरिया, एंड आप उस रेजर को दोबारा अपने फेस पे यूज करोगे, सो यू आर ट्रांसफरिंग दैट बैक्टीरिया ऑन योर स्किन. एंड रेजर से आप ना एक्सफोलिएट भी करते हो, तो आप सोचो एक्सफोलिएट हो रहा है, साथ में क्लिंस नहीं है रेजर, उसकी वजह से
बैक्टीरिया ट्रांसफर हुआ उसकी वजह से एक्ने हो रहे फेस पे. तो आई एम गिल्टी ऑफ नॉट क्लेंजिंग माय फेशियल रेजर आफ्टर यूजिंग इट एंड दिस इज हाउ आई यूजुअली क्लेंज माय रेजर. थोड़ा सा मैगी में क्लीन वाटर लिया है मैंने, एक ड्रॉप हैंड सैनिटाइजर का ऐड किया एंड आई विल स्टार्ट वॉशिंग द ब्लेड ऑफ माय रेजर. यू नो यूजुअली वाला स्टेप मैं नल के नीचे बहते हुए पानी में करती हूँ, बट मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ऐसा करके आपको मैं दिखा रही हूँ. कभी अगर क्या करती हूँ, मुझे लगता है कि यू नो रेजर में थोड़ा बहुत रेसिड्यू अभी भी दिख रहा है, तो मैं कॉटन पैड को गीला कर लेती हूँ एंड आई विल वेरी जेंटली क्लीन द ब्लेड्स ऑफ माई रेजर. उसके बाद आई विल वॉश माई रेजर अगेन विथ क्लीन वाटर एंड हियर माई रेजर इज ऑल क्लीन. आई एम जस्ट पैड ड्राइंग माई रेजर, बिल्कुल भी ऐसे रगड़ना नहीं है टाल में या फिर कॉटन पैड जिसमें भी आप पैड ड्राई कर रहे हो. रगड़ने से ब्लेड का जो धार है ना वो कम हो जाता है, नेक्स्ट टाइम आप उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे. सो क्लिनजिंग एंड सैनिटाइजिंग द रेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल्सो चेंजिंग द रेजर. आफ्टर लाइक 7 to 8 यूसेज यू हैव टू चेंज योर फेशियल रेजर बिकॉज वो कोई काम का नहीं रहा. उसका धार जो है ब्लेड का वो खत्म हो जाता है. धार खत्म होने के बाद जब उसे यूज करने की कोशिश करते हो टू शेव योर फेस, यू नो, तो बार बार यूज कर रहे हो, शेव तो हो नहीं रहा है, फ्रिक्शन अलग से क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉजिंग लॉट ऑफ इरिटेशन ऑन योर स्किन. तो मैं एक महीने पहले की फोटो इंसर्ट करने वाली हूँ. दिस वॉज द स्किन कंडीशन बिकॉज ऑफ यूजिंग लाइक वेरी डर्टी एंड ओल्ड रेजर ऑन माई फेस. आई नो मुझे आप लोग कॉमेंट करोगे कि शालिनी आप अपने फेशियल हेयर के लिए लेजर क्यों नहीं करवा लेती, उसके बारे में मैं सोच रही हूँ, बट काफी लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते और रेजर यूज कर रहे हैं. तो अगर आप ये रेजर यूज कर रहे हो तो बी कॉन्शियस एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव सैनिटाइज्ड एंड चेंज्ड योर फेशियल razor after a certain use. We all are guilty of doing this, that is picking on your blemishes. So मेरी स्किन acne prone स्किन है और समर के टाइम पे तो वो बहुत ही ज्यादा acne prone हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ लाइक स्वेट. आई हैव ऑयली टी जोन एरिया. अभी भी मेरे फेस पे आप लोग देखोगे राइट साइड आई हैव लाइक acne. और acne के साथ तो मेरा ऐसे बहुत पुराना रिश्ता है, आते जाते रहते हैं मुझे acne. कभी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी, कभी बहुत सारा acne हो जाएंगे मुझे. Anyway, the point is that you should never ever pick on your blemishes or acne. मुझे ये consciously effort डालना पड़ा क्योंकि मुझे ना बड़ा ऐसे खुन्नस आती कि नहीं मैं पॉप कर दूं अपना पिंपल. नहीं, बट मैंने अपने आप को बहुत ऐसे समझा है कि नो शालिनी अभी तो अच्छा लगेगा तुम पॉप कर लोगी, पर बाद में दिस इज गोना क्रिएट एक्ने स्कारिंग. और जब आप अपने पिंपल को ऐसे पॉप करते हो ना, द बैक्टीरिया एंड डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम योर हैंड्स कैन ट्रांसफर टू योर स्किन सरफेस और जहां पे पिंपल आपने पॉप किया उसके आसपास आपको 4 और पिंपल निकल आएंगे बिकॉज ऑफ दी जर्म्स एंड बैक्टीरिया, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हो अपने स्किन के रूटीन में दैट इज गोना हेल्प टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया फ्रॉम योर फेस. जैसे नाइसिनामाइड इज एन एक्सलेंट इंग्रेडिएंट, 10% नाइसिनामाइड सीरम can help to fade away acne marks and scars and reducing pimple causing bacteria. Another ingredient that I freaking love is 2% salicylic acid. आप use कर सकते हो अपने face पे. This also helps to reduce the inflammation and redness around the acne and it kills the bacteria. Also, one of my favorite way and quickest way to reduce the inflammation and ऐसे बड़ा सा zit from my face is using pimple patches. बहुत different brands के available है pimple patches. मैं salicylic acid pimple patch use करना पसंद करती हूँ अपने face पे. So रात को जब अपना skin care routine कर रही होती हूँ ना, तो जहाँ पे मुझे treatment product apply करना रहता है स्किन पे, उस स्टेप पे मैं ट्रीटमेंट प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद सैलिसिलिक एसिड का पिंपल पैच अप्लाई कर देती हूँ जहां जहां पे मुझे ऐसे एक्ने दिख रहा है और 7 से 8 घंटे बाद आप उसे रिमूव कर सकते हो. नेक्स्ट डे यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट कि आपका एक्ने का जो रेडनेस है वो कम हो चुका है या फिर अगर आपको वहां पे जिट था तो आज जब आप पिंपल पैच रिमूव करोगे उसके साथ साथ जो व्हाइट जिट है वो भी निकल आता है एक्ने का, वो जो पर्स फॉर्मेशन होता है, एंड यू कैन अप्लाई अनदर पैच ओवर दैट. और मैंने रेटिनॉल की और सैलिसिलिक एसिड की बात की तो ये भी बता दूं कि सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉल एक साथ यूज नहीं करना आपको अपने फेस में. दे कैन काउंटर एक्ट ईच अदर एंड कैन गिव यू लाइक रिवर्स इफेक्ट ऑन योर स्किन. अगर आज आपने सैलिसिलिक एसिड यूज किया तो कल आप रेटिनॉल यूज कर सकते हो अपने फेस पे या फिर AM PM रूटीन फॉलो कर सकते हो. सुबह सैलिसिलिक एसिड और रात को रेटिनॉल आपने अपने PM रूटीन में फॉलो कर लिया. अगेन आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग दिस मिस्टेक एंड हम में से काफी लोग इसे अभी भी कर रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली, दैट इज वी आर नॉट डिक्लटरिंग आर एक्सपायर मेकअप और अभी भी हम उसे यूज कर रहे हैं एक्सपायर होने के बाद भी अपने फेस पे. जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करते हो, स्किन केयर हुआ या मेकअप हुआ, कुछ ना कुछ आपकी स्किन उसे एब्जॉर्ब कर ही लेती है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट्स आप अपनी स्किन में यूज कर रहे हो वो एक्सपायर ना हुआ हो. व्हेन इट कम्स टू मेकअप, आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, ये ऐसी चीजें जो मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली ऐसे फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा इन्हें यूज करती, क्वांटिटी भी कम आती है. बट व्हेन इट कम्स टू बेस प्रोडक्ट, कॉन्टोर, ब्लश, फाउंडेशन, ये सारी चीजें मैं जल्दी खत्म नहीं कर पाती हूँ. ऐसा हुआ है पास्ट में मेरे साथ कि मैंने एक्सपायर्ड फाउंडेशन यूज किया अपने फेस पे. आई वॉर इट फॉर लाइक 7-8 hours एंड इट गेव रिवर्स इफेक्ट टू माई स्किन. माई स्किन वॉज गेटिंग लॉट ऑफ लाइक छोटे 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 व्हाइट हेयर्स ऑल ओवर माई फेस. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट वन सिंगल मिस्टेक दैट आई डिड फॉर दैट डे, दैट इज यूजिंग एक्सपायर्ड फाउंडेशन ऑन माई फेस. सो गो थ्रू योर मेकअप वैनिटी. यू नो आपको प्रोडक्ट के पीछे दिख जाएगा पैकेजिंग में जहाँ पे स्टिकर लगा रहता है कि कब एक्सपायर होने वाला है. नहीं दिखेगा तो आप जिस वेबसाइट से
खरीदा है उसमें जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कब खरीदा था. उसके बाद यू कैन चेक इन दी प्रोडक्ट्स पैकेजिंग अगेन कि वहाँ पे कितने मंथ्स के लिए इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए लिखा गया है. 12 महीने 24 महीने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए होता है. उनके पास छोटा सा मेकअप कलेक्शन है उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि दे फिनिश देयर बेस प्रोडक्ट ऑल्सो वेरी क्विकली. बट कुछ लोग जैसे कि मैं हूँ, यू नो हु डजंट नीड लाइक 7-8 डिफरेंट फाउंडेशन का फॉर्मूला एंड ब्रांड बट स्टिल हैव इट, वो खत्म नहीं कर पाते एंड देन वी रिग्रेट लेटर ऑन. ऑलराइट गाइस, दैट वाज द लास्ट कॉमन मिस्टेक दैट वी मस्ट बी डूइंग रिगार्डिंग स्किन केयर. इसके अलावा भी काफी ऐसे मिस्टेक्स होंगे जो मैंने कवर नहीं किए. अगर आप चाहो तो एक दूसरे की मदद कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके. जो टॉपिक्स और मिस्टेक्स मैंने पार्ट 1 में कवर किए थे वो मैंने पार्ट 2 में कवर नहीं किए, तो आप पार्ट 1 जाके भी देख सकते हो. ऑन दैट नोट, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे. आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम टुडेज वीडियो. अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो मेरे चैनल से, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइस नेक्स्ट time with brand new content on this channel. Bye everyone, take care.